हे गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ भी चुके हैं, नहा भी चुके हैं, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम लोग से। नाम करना हरीश, तो अभी दिखाने वाला हूँ आज आपको केदारनाथ के दर्शन कराने वाला हूँ। तो देखिए मोहित को भी, तो अभी हम केदारनाथ के दर्शन कराने वाले हैं आपको। तो भाई अभी तो वैसे देखने के लिए आए कि लाइन कितनी लंबी है, कितनी लंबी लाइन नहीं है। तो भाई सर्दी बहुत है, हवा भी तेज़ चल रही है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, चप्पल अप्पल उतारते देखते जो भी होता होगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, जब भी हम सुबह सुबह देखने आए तो ये सुबह का व्यू है पीछे का, ये ना कभी कभी दिखाई देता है, मतलब हमारी किस्मत अच्छी जो हमें दिख गया पीछे का। ना धूप निकल रही थी जब हम फर्स्ट टाइम आए देखने के लिए, और एकदम से बादल हो गए सारे में, मतलब कोहरा सा हो गया। और अभी हम देख रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है अभी हमारे यहाँ पे, और सब देख सकते हो सबके गले में जैकेट, भैया को देखो, विकास भाई के सबको जैकेट वगैरह, बैग वगैरह। तो अभी हमारा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, मैं बाहर से दर्शन कराने वाला हूँ आपको जैसे भी होगा, तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ। तो हे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब हम सुबह सुबह आए तो हमें सुबह का पीछे का व्यू दिखा, पीछे का पहाड़ दिखे, माउंट सारे क्लियर एकदम साफ। बट जब हम सेकंड टाइम लाइन में लगने के लिए आए तो सारे में फोग था, आप देख सकते हो बिल्कुल ही फोग, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब पीछे का सिर्फ मंदिर दिखाई दे रहा, पीछे कुछ भी दिखाई देता। शायद आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ था कि हमें सुबह सुबह माउंट दिख गए, उठ के बोलते हैं ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलता है, तो हमें भी मिल चुका था, सुबह के दर्शन हो चुके थे। गाइस अब बढ़ते हैं हम आगे, तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद लेते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो हमारे पीछे कितनी लंबी लाइन है, बहुत ही लंबी लाइन है, तभी प्रसाद लेने लग रहे हैं हम सबके सब यहाँ से, शौक से प्रसाद ले रहे हैं। और यहीं पर जूते वूते निकाल देंगे, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा कोहरा हो गया ना, एकदम बहुत ज़्यादा कोहरा हो गया, तो यहीं पर जूते निकाल देंगे सबके सब, यहीं पर प्रसाद ले रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया है, तो अभी फिलहाल यही वाला एक थैला लिया है हमने प्रसाद का, और अति दफे ले लेंगे, क्योंकि भाई मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, और ज़्यादा प्रसाद एक जना एक ही प्रसाद चढ़ा तो कोई भी सकता है, प्रसाद एक दो तीन चार पाँच कितने प्रसाद चढ़ा सकता है, पर अभी एक ही प्रसाद लिया है मैंने, जितने दफे ले लेंगे अभी मोहित मैं सबकी खरीदारी चल रही है प्रसाद की, यहाँ पे देखते जो भी है, तो बन रहे हमारे ब्लॉग के साथ तो गाइस मैंने प्रसाद ले लिया यहाँ से, मंदिर का भी चल रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, मैं हूँ, मेरे साथ वासु भाई भी है, मोहित भाई बलोजिंग कर रहे हैं अभी हमारे, और भैया ने प्रसाद लिया हमने यहाँ से, और यहाँ पर शूज निकालने वाले हैं सबके सब, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, डिस्कस कराने वाला हूँ आज आपको केदारनाथ के दर्शन। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और अभी अभी यहाँ पे साफ मौसम था, अभी अभी कोहरा हो गया, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो गाइस हम भवन के बहुत करीब आ चुके हैं सबके सब, देख सकते हैं मोहित मैं सब, वासु भाई का फ़ोन आ रहा है, तो वासु भाई सर वीडियो बनाने लग गए, तो थोड़ी सी लाइन लग चुकी है सब, देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप सुविधा देख सकते हैं, मतलब ऊपर टेंट अगर बारिश वगैरह कुछ भी आ जाए, कोहरा आ जाए, उससे बचने के लिए नीचे मैट, मतलब इतना ठंडा मेरी तरफ फरस यहाँ पे मंदिर के बाहर जो भी पहन रखा था टैल वगैरह, बहुत ही सुन करने वाली ठंड थी, तो इसी वजह से उन्होंने मैट डाल रखा था भाई, बहुत ही। जय 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 चार
तो है गाइस हमारा प्रसाद चढ़ चुका है यहाँ पे, ये रहा तो आपको लोगों को दिखा दूंगा अंदर से मंदिर की, बट यहाँ तक जाने दिए, अंदर नहीं जाने दिए, अंदर फोटो खींचना ना होने थोड़ी सी, उन्हें कहा मैंने तो उन्होंने कहा चल ठीक है। तो भी आपको भीमशिला दिखाने वाला हूँ मैं, पीछे भीमशिला है हमारे, और मोहितर का प्रसाद पूरा का पूरा बैग अंदर ही चढ़ गया, वो मतलब किसी को किसी और को दे दिया उन्होंने, तो अब देखते जो भी होता है प्रसाद चढ़ गया, तो बने रही हमारे ब्लॉग के साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भीमशिला पत्थर है जिसने पानी को काट दिया था मंदिर पे जाने से, तो वो पत्थर थोड़ा हाइट पे रखा है पीछे, तो हम उस पत्थर पे जा रहे हैं देखने के लिए। बट वो इतना बड़ा पत्थर है मंदिर से डबल पत्थर है वो, मतलब भीमशिला बोलते हैं जिसको, भीमशिला नाम रखा गया, मंदिर से डबल पत्थर है देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं इसको दिखाने वाला हूँ आपको अच्छे तरीके से। लोग बागों ने इसको पूजना शुरू कर दिया, पूजने लायक है और हमने भी इसको पूजा भाई बहुत अच्छे तरीके से, बट यहाँ पे हमारा ड्रोन नहीं उड़ाने दिया, इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ, हमें ड्रोन लेके गए ऊपर बट ड्रोन नहीं उड़ाने दिया भाई, पुलिस वालों ने मना कर दिया क्योंकि यहाँ पे आर्मी कैंट का एक तो गाइज आप देख सकते हैं इसको भीमशिला बोलते हैं यहाँ पे, ये जो पत्थर आके रुका था इसने मंदिर को बचाया था, तो अब देख भी सकते हैं कितना बड़ा है, मतलब मंदिर को पूरा कवर कर दिया था, देख सकते हो मंदिर के दर्शन तो मैंने आपको कराए दिए और आप वहाँ देख सकते हो, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे भैरव देव जी बैठे हैं और यहाँ से भैरव देव जी से प्रसाद चढ़ाने भी जाना है अभी यहाँ पे, और अभी यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है मोहित भाई का यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने आपको मंदिर के दर्शन करा दिए, पीछे भीमशिला है, भीमशिला के भी दर्शन करा दिए आपको, भीमशिला दिखा दी और पीछे का भी दिखाता आपको, तो पीछे ऐसे थोड़ा कोहरा कोहरा हो गया, दर्शन करने के बाद थकावट बिल्कुल दूर हो चुकी है हमारी, बिल्कुल ही दूर हो चुकी है थकावट। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे सबके सब अपना घर बनाने के लिए लग गए, वासु भाई भी, मोहित भी, उधर विकास भी, सबके सब यहाँ पे घर बनाने पे लग गए हैं। यहाँ पे भाई मंदिर का व्यू पीछे से तो कुछ ऐसा है आप देख सकते हो, और यहाँ पे आके ना भाई बिल्कुल थकावट दूर हो चुकी है, बिल्कुल थकावट जो चढ़ी थी ना वो, अब बस अब भैरव देव पे जाना है, उसकी थोड़ी चढ़ाई है वहाँ पे, प्रसाद चढ़ा के आते हैं, और थकावट का तो कुछ नाम ही नहीं भाई, बिल्कुल ही ख़त्म, मतलब कहते हैं ना फिनिश वो हो चुकी है, सब के सब यहाँ पे घर बनाने लग रहे हैं। तो गाइस सभी दोस्त मेरे घर बना रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा तू भी बना तू भी बना, तो मैंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, पर मैंने छोटा सी बनाया भाई, तो छोटा सी मैंने घर बनाया और दोस्त मेरा व्लॉग शूट कर रहा था यहाँ पे, और वो आपको वादियाँ भी दिखा रहा था कुछ, और देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका फ़ोन आ रहा था विकास भाई का, पर कटी थी। तो गाइस देख सकते हैं मैंने भी अपने यहाँ पे घर बना दिया छोटा सा, और यहाँ पे सबने अपने घर घर बना रखे हैं सबने, तो अभी देख आप देख सकते हैं जैसे मंदिर के ऊपर चढ़ेंगे चढ़ाई करते टाइम, तो वहीं पे बहुत सारी छोटी छोटी मिनी प्रसाद की दुकानें लगी होती है, हमें नीचे से प्रसाद लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई नीचे से बहुत ज़्यादा चढ़ाई पड़ती है, नीचे से लेके आओ तो हमने इस प्रसाद ऊपर से ले लिया था, बहुत छोटी छोटी दुकानें थी पास में, तो प्रसाद और लाइन में लग जाए इस पे से, और लाइन जब हमने प्रसाद चढ़ाते तो बिल्कुल ही लाइन ख़त्म हो चुकी थी, मतलब दर्शन ही थे।
फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। हम मंदाकिनी दिखाने वालों में आपको यहाँ से चढ़ते से सांस चढ़ गया, वहाँ से आया हूँ अभी मैं, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट है मंदाकिनी देखने का ऊपर से, क्योंकि साइड से दीवार हो रही है, दीवार भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ से साइड से। फिर आपको आपको मंदाकिनी दिखाने वाला हूँ, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो गाइस ये देख सकते हैं ये सीमा, ये दीवार देख रहे हैं आप, ये दीवार जो हो रही है ये पूरी दीवार कर रखी है यहाँ पे, जिससे पानी ना आ सके कभी आने वाले टाइम में अंदर। और मैं वहाँ से चल के आया हूँ, जहाँ पे ब्लॉगिंग चल रही है अभी उनकी भैया की स्टेटस वगैरह, जो मैं भी वहाँ से चल के आया हूँ जहाँ पे भैया अभी शूट कर रहे हैं अपना ड्रोन का। और यहाँ पे हूँ मैं भी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये यहाँ से चढ़ के आया हूँ मैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप इस जीने से। और ये देखिए आप मंदाकिनी नदी, यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, ये देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े पत्थर, बहुत ही ज़्यादा जाली बना रखा है जिससे पत्थर वगैरह ना आ सके इधर। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्या लोग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, ओके टाटा बाय।